तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को जो भी दीवार की साइड है उसे चार पांच ब्लॉक छोड़ देने हैं, और उसके बाद आपको जो पीछे की साइड है उसे भी चार पांच ब्लॉक छोड़ देने हैं, और फिर दो ट्रैप डोर प्लेस कर देने हैं, सामने आ जाना है। उसके बाद आपको सामने की तरफ जितना डिस्टेंस है उतना आप ट्रैप डोर लगा देना है, और ये क्लोज हो जाए तब आप इस साइड पर आ जाना है और कैंप फायर को जो है ले लेना है। मैंने ये सब कुछ किया है कि तीन लोगों के लिए, आपको जितने लोगों के लिए चाहिए उतने लोगों के लिए आप कर सकते हो। और उसके बाद कैंप फायर के पीछे एक डोर लगा देना है, शेवल की मदद से सारे के सारे कैंप फायर को बुझा देना है। और ये हो जाने के बाद आप लोगों को डोर सारे में ही लगा देना है, और डोर के ऊपर मतलब डोर के जो सामने की साइड है ना उस पर आपको बैनर जो आता है वो बैनर लगा देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये लगा रहा हूँ वैसे लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली आइटम फ्रेम ले लेनी है, और आइटम फ्रेम जो जो जहाँ पर हमने कुर्सियाँ बनाई वहाँ पर रख देनी है, जिससे कि वो प्लेट की तरह लगे। और लो गाइस तैयार है हमारा डाइनिंग टेबल, जो कि एकदम लग भी रहा है कि डाइनिंग टेबल है, प्योर वुडन का था। हमारे नेक्स्ट बिल्ड की तरफ जो कि होने वाला है गैस, उसके लिए आपको लोगों को प्लैंक जो है वो प्लेस कर देना है पहले कॉर्नर में, और उसके बाद आपको लोगों को एक दो ब्लॉक डिग कर लेने हैं। उस ब्लॉक के अंदर आप लोगों को जो कैंप फायर है वो ले लेनी है, उसके ऊपर आपको स्मोकर लगा देना है, उसके बाद आपको उसके बाजू में फिर से एक प्लैंक लगा देना है स्मोकर के सामने। स्मोकर को ढकने के लिए आप लोगों को ट्रैप डोर जो भी चाहिए वो लगा देना है, उसके बाद उसके ऊपर हॉपर एक प्लेस कर देना है, उसके साइड में आपको जो भी लाइट चाहिए कुछ भी चाहिए ब्लॉक चाहिए आप वो लगा सकते हो, उस ब्लॉक को भी ढकने के लिए ऐसे कुछ तो ट्रैप डोर वगैरह लगा देना है। और उसके बाद एक मिनट ये तोड़ देना है, अरे गलत है, रुको ये ऊपर की साइड ये लगा देना है, और उसके बाद आपको साइड में आ जाना है थोड़ा, वहाँ पर एक बैलर मतलब कि ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा शेल्फ वगैरह भी लगना चाहिए इसलिए ये बना दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पर भी एक मिनट यहाँ पर ब्लॉक, और फिर यहाँ पर एक ब्लॉक, यहाँ पर ऊपर की साइड दोनों, और ये हो गया, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देता हूँ एक मिनट, यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा ऊपर एक की साइड, एक ब्लॉक आएगा और यह नीचे की एक साइड भी आएगा। ओके हो गया, इस साइड भी वैसे ही कर देना है, और यहाँ पर ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी बैलर लगा देता हूँ तो जो कि अच्छा लगेगा, शायद से अच्छा ही लग रहा है। ठीक है ओके, तो ये हो गया हमारा एक डाइनिंग टेबल, और वो हो गया हमारा गैस स्टोव। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बिल की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा फ्रिज, जो कि जिसमें हम लोग आइटम वगैरह संभाल के रख सकते हैं खाने पीने के। यहाँ पर आपको डोर लगा देना है और बाहर निकल जाना है आपको, और फिर आप लोगों को ब्लॉक से ये पूरा पैक कर देना है। उसके बाद दरवाज़ा खोल के आइटम फ्रेम पहले प्लेस कर देते, नहीं पहले केक रखते हैं, और उसके बाद आइटम फ्रेम जहाँ जहाँ चाहिए आपको वहाँ प्लेस कर देना है। एक मिनट, कहीं और प्लेस तो नहीं हो रहा शायद, ये वाली तोड़ देते हैं भाई, सामने लगा देते हैं, और फिर एक मिनट मीट वगैरह सब कुछ, क्योंकि माइनक्राफ्ट में ये ज़रूरत है। और लो गाइस तैयार है हमारा जो पूरा किचन का बिल्ड है, वो पूरा तो नहीं लेकिन हाँ।